हेलो एवरीवन, वेलकम टू नमस्ते इंग्लिश ऐप। नमस्ते इंग्लिश ऐप में आपका स्वागत है। जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते इंग्लिश ऐप, द बेस्ट ऐप वेयर यू कैन लर्न इंग्लिश इफेक्टिवली। वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में ना हम फ्रेजेस डिस्कस करेंगे, जो नॉर्मल फ्रेजेस हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उन फ्रेजेस को हम डिस्कस करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यस। सो डे टू डे लाइफ में हम बोलते हैं ना, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, और ले लीजिए, डू यू वांट एनीथिंग एल्स, और कुछ। तो ऐसे कुछ सिंपल सिंपल डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले फ्रेजेस, इसको आज स्टडी करते हैं। हेलो, वेलकम। देखिए, फर्स्ट फ्रेज है हमारा एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स, इसका क्या मतलब होता है? और कुछ, डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स, मे आई हेल्प यू इन एनीथिंग एल्स, और कुछ, मैं कुछ और आपकी मदद कर सकता हूँ, डू यू नीड एनीथिंग एल्स। आप किसी की मदद कर रहे हैं, यू आर हेल्पिंग समबडी आउट, और आप उसको बोल रहे हैं कि और कुछ, और कुछ को हम बोलते हैं एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स का मतलब होता है और कुछ, और नथिंग एल्स का क्या मतलब होता है? और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। यू डू नथिंग एल्स बट पिटी योर सेल्फ। तुम कुछ नहीं करते हो, और कुछ नहीं करते हो, बस अपने आप पर तरस खाते रहते हो। यू डू नथिंग एल्स बट पिटी योर सेल्फ। तो एनीथिंग एल्स और नथिंग एल्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, कहाँ पर एनीथिंग एल्स यूज़ करना है, कहाँ पर नथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स का मतलब होता है और कुछ, और कुछ, एनीथिंग एल्स, और कुछ, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। ठीक है, सेंटेंसेस बनाइए। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू। एनीथिंग एल्स, यस, बोल सकते हैं बिल्कुल, और कुछ। वेरी वेरी नाइस शिवम, वेरी गुड सेंटेंस, यस। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट आई कैन हेल्प यू विद? एक्सलेंट सेंटेंस, टू गुड, वेरी नाइस, कीप इट अप, यस। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट आई कैन हेल्प यू विद? अब सपोज आप शॉप पर जाते हैं एंड यू आर ट्राइंग आउट क्लोथ्स, तो आप परचेज करने जाते हैं क्लोथ्स, एंड दैट जो जो शॉपकीपर होता है वो आपको और बोलता है कि मैम और कुछ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, किसी और चीज़ में कोई और आपको ड्रेस दिखाऊँ, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद? तो बहुत बार ये यूज़ होता है। आई वॉन्ट हैप्पीनेस, नथिंग एल्स, बिल्कुल ठीक है सागर, मुझे सिर्फ खुशी चाहिए और कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस सागर, गुड सेंटेंस। Yes, nothing else can stop you from doing it. Yes, if you are willing to do something, then nobody can stop you from doing that, or nothing else. Can I comment anything else? Aur kuch main comment kar sakta hu? Can you provide us notes? Aap isko note down karte jaiyega jo jo main bol rahi hu. You can note it down. Otherwise, hum itni zyada practice karenge ki aapko aaj hi mein learn ho jayenge. इसीलिए हम लाइव सेशन करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपको रिटेन रहे ये चीज़ें। एनीथिंग एल्स, और कुछ, कैन आई हेल्प यू विद एनीथिंग एल्स? आई जस्ट वॉन्ट माई फैमिली सपोर्ट एट एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ एंड आई रियली डोंट नीड एनीथिंग एल्स, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है प्रियम, वेरी गुड सेंटेंस। देखिए गाइस, अगर आप पहले नेगेटिव यूज कर देते हैं डोंट, तो डोंट नेगेटिव के साथ नथिंग एल्स मत यूज कीजिएगा। यहाँ पर एक मिस्टेक होती है, अगर आप नेगेटिव ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तब उसके साथ एनीथिंग एल्स यूज कीजिएगा, और कुछ भी नहीं, क्योंकि नहीं तो आप पहले बोल चुके हैं, डोंट पहले यूज कर चुके हैं डोंट, तो इसलिए क्या आएगा, डोंट, डोंट के बाद नथिंग एल्स मत लगाइएगा, क्योंकि दो बार नेगेटिव आ जाता है। नथिंग एल्स का मतलब ही होता है और कुछ नहीं, नेगेटिव, ठीक है? तो दो बार नेगेटिव ना है, इस चीज का ध्यान रखना है, दो बार नेगेटिव नहीं आने चाहिए। जैसे कि प्रियम ने सेंटेंस बनाया, बिल्कुल ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट माई फैमिली सपोर्ट एंड आई रियली डोंट नीड एनीथिंग एल्स, थैंक यू सो मच। जैसे कि आप कहीं जाते हैं, समबडी सर्व्ड यू फूड और समथिंग, देन यू कैन से थैंक यू सो मच, आई रियली डोंट नीड एनीथिंग एल्स, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
somebody is offering you something, do you need anything else? और कुछ चाहिए आपको, मैं आपके लिए ले आता हूँ. I really don't need anything else. मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए. I want money, nothing else. Okay, that's correct, Ashish. बिल्कुल अनुपम ठीक है. Is there anything else apart from this? Very nice, Anupam. Thank you so much. Nothing else is as useful as watching your live English classes. Wow, thank you so much. Do you need anything else from the store? Aur kuch chahiye aapko? Nothing else would compete the way you teach English classes. Thank you so much, Anupam. Very good sentences. Very nice. Keep it up. I want good friends and nothing else. It's a universal truth. I want good friends, nothing else. Do you need anything else from me? Yes. तुम्हें और कुछ चाहिए मुझसे? ठीक है सेंटेंस. Yes, Sujun, I have blocked. SSC की इंग्लिश ठीक है. SSC की इंग्लिश में बेसिकली स्पॉटिंग एरर्स आते हैं. ग्रामर का मेन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. वोकैबलरी पूछी जाती है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, तो वोकैबलरी पे स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए. और आपकी अगर SSC की इंग्लिश अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो गाइज ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए. ग्रामर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है. अनुपम वेरी नाइस सेंटेंसेस. Okay, I'll study only English, nothing else. That was a good sentence. मैं सिर्फ English पढ़ूंगा और कुछ भी नहीं. Okay, good. तो clear हो रहा है nothing else और कुछ भी नहीं. इसमें ना बहुत confusion होती है. कई बार हम anything else की जगह nothing else use कर लेते हैं और nothing else की जगह anything else use कर लेते हैं. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है. अनुपम my name is वंदना. Yes, yes, daily live आते हैं. Daily live आपको मिलेगी Facebook पे भी और Instagram पे भी एंड YouTube पे भी. नमस्ते इंग्लिश चैनल आप देख सकते हैं YouTube पर. नमस्ते इंग्लिश चैनल पर गाइस डू कम देयर. वहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे. गुड एक्सेलेंट यस ओके. फ्रेजल वर्ब्स ओके डियर. फ्रेजल वर्ब्स पे एक सेशन मैं ज़रूर कंडक्ट करूँगी. गुड. और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है मुझे बताते जाइएगा कि इस पर एक सेशन कंडक्ट करिए. तो फ्रेजल वर्ब में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो फ्रेजल वर्ब से कंडक्ट करते हैं आपके लिए. फ्रेजल वर्ब बहुत सारे हैं. ओके देन नथिंग एल्स विल वर्क देन यू कैन टेक एंटीबायोटिक्स. अगर डॉक्टर जैसे बोलते हैं नथिंग एल्स वर्क, अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है देन टेक दिस मेडिसिन, देन टेक दिस एंटीबायोटिक. यू कैन डील विद इट एज लॉन्ग एज नथिंग एल्स हैपन. यस वॉइस ओके. यू आर नॉट ऑडिबल मैम. ओके वेट वेट गाइज वेट. आई विल जस्ट चेक इट आउट. वेट नाउ इज द वॉइस ऑडिबल. मुझे बताइए नाउ इज द वॉइस ऑडिबल. कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी नाउ? अब वॉइस ऑडिबल है. आप मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल नाउ? एम आई ऑडिबल नाउ? बताइए मुझे. नाउ इट्स फाइन. ओके नाउ ओके 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 ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ठीक है तो एनीथिंग एल्स और कुछ, नथिंग एल्स और कुछ भी नहीं. क्लियर हो गया? एनीथिंग एल्स और कुछ. Can I help you with anything else? Do you need anything else? No, nothing else. Thank you so much. It was really a pleasure meeting you. I don't need anything else. I really don't want anything else. बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर पहले negative use कर रहे हैं तो negative के साथ nothing का मत use कीजिएगा. Negative के साथ. If you don't mind, let me know your name. Anupam, my name is Vandana. Yes.
ग्रेट, क्लियर है? एनीथिंग एल्स एंड नथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स और कुछ, नथिंग एल्स और कुछ भी नहीं?